खबर बिहार के गया से है। आपको बता दें कि बोधगया थाना क्षेत्र के गया डोभी मुख्य सड़क मार्ग NH 83 पर टेकुना फार्म के समीप बुधवार की देर रात इथेनॉल से लदी टैंकर अचानक जा पलटा। क्रेन के द्वारा इथेनॉल लदी टैंकर को उठाने के क्रम में बिजली के तार की चपेट में आने से शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। अगलगी की घटना में सड़क के किनारे कई दुकान जलकर राख हो गए। वो टैंकर जब पलटा ना, तो टैंकर पलटने के क्रम में किरान आया, किरान उठाया तो टैंकर न्यूट्रल में था और उससे तेल भी गिर गया था। ठीक है, जब तेल उस पर से गिर गया था तो टैंकर जब न्यूट्रल में था तो जैसे ही किरान उठाया तो पीछे हो गया तो एक किरान भी पलट गया। और किरान पलटने के बाद वो ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट होकर के जैसे ही नीचे आग गिरा करीब लगते 4 बजे। हाँ, जैसे ही उस तेल में नीचे चिंगारी फेंका, आग लगा, तो आग लगने के बाद पूरा सब धर लिया। और क्या, रात के लगभग 3 या 4 बजे के आसपास ये घटना घटी है। 3-4 बजे के आसपास ये रोड टेकुना मोड़ के पास एक हाईवा ऐसी टैंकर जा रही थी, उसमें शायद केमिकल वगैरह थे। किस चीज़ का केमिकल था वो तो जानकारी हमें नहीं है पूरी फुल्ली तरह से। वो टैंकर रोड के किनारे पलट गई टेकुना मोड़ पे। उसको पलटने के बाद उसको उठाने के क्रम में दो हाईवा मंगाया गया, हाईवा मंगाया गया। उसके बाद बोध गया के थाना के अधीन ये सब कार्य चल ही रहा था। टैंकर उठाने के क्रम में ही उस टैंकर से कोई लिक्विड रिसाव हो रहा था, जो उसके वजह से कहीं से शॉर्ट सर्किट आया लाइन के थ्रू, या किसी और यहाँ जितने भी दुकानदार थे उनके किसी लाइन के थ्रू, या किसी और कारण से दुकान में सिलेंडर वगैरह जो भी थे उसके कारण से, किसी भी कारण से आग लग गई। आग लगने के कारण यहाँ जो दुकान में रखे हुए थे सिलेंडर वगैरह वो सब फट गए। और हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो हमारा 33 के भी 8 नंबर और 9 नंबर जो मानपुर को फीड करता है, उसको पूरे तार लाइन के नीचे जो जलने के कारण, सिलेंडर फटने के कारण जो लाइन के ऊपर जो आग गई उसके कारण मेरा तार दोनों फीडर का जल गए। किसी की हताहत होने की सूचना अभी तक तो हमें नहीं। जान माल का तो हमारे डिपार्टमेंट से तो कम से कम 40 से 50 हजार हमारे डिपार्टमेंट का लॉस है, लाख तक भी पहुंच सकती है। आकलन किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है। और एक हाइड्रोलिक है जल गया है, उनके लिए तो ये मतलब मौत से भी बुरा सदमा है उनके लिए, क्योंकि उनसे कम से कम कीमत देखने से तो यही लगता है कि वो अब बनने लायक नहीं, कवाड़ा में बिकने लायक है। जिला प्रशासन तो हमारे नुकसान का तो जिला प्रशासन से कोई मतलब उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग लाइन अपनी कंपनी के थ्रू रिस्टोर करा लेंगे। लेकिन जो भी जिला प्रशासन को अगर मदद करना है तो उस हाईवे वाले को मदद करे, जो यहाँ लगा हुआ झुंगी झोपड़ी है गरीब आदमी, उसकी मदद किया जाए जिला प्रशासन के द्वारा।